लखनऊ में चुनावी शोर थम गया है। कल लखनऊ में मतदान होने वाले हैं। स्मृति उपवन से रवाना हो रही पोलिंग पार्टियां, प्रशासन ने भी मतदान केंद्रों को आज से ही तैयार करना शुरू कर दिया है। आशियाना स्थित स्मृति उपवन से 3,768 पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो गई। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार सुबह से स्मृति उपवन में मौजूद ले रहे हैं व्यवस्थाओं की जायजा। मतदान कर्मियों के लिए स्मृति उपवन में गर्मी को देखते हुए मतदान कर्मियों के लिए किए जा रहे हैं व्यापक इंतजाम, आइए देखते हैं। राजधानी लखनऊ में कल पांचवें फेज की वोटिंग होनी है, इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार जी हैं। सर से बात करेंगे। सर क्या कुछ सर कल पांचवें फेज की लखनऊ में वोटिंग हुई है होनी है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? लखनऊ में 20 मई को सुबह 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग होगी, सब लोग वोट डाल सकें इसकी तैयारियाँ पूरी की गई हैं। आज यहाँ से पोलिंग पार्टीज़ अपनी ईवीएम और दूसरा इलेक्शन मटेरियल लेकर रवाना हो रही हैं और कल सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होगा। सभी वोटर से मैं अपील करता हूं कि आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। आपको बूथ के 100 मीटर तक अपने वाहन, निजी वाहन ले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। आप अपनी कार, बाइक, मोटरसाइकिल या स्कूटी वगैरह के माध्यम से बूथ के 100 मीटर तक उसके माध्यम से जा सकते हैं। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि वोट ज़रूर डालें। सर गर्मी का प्रचंड गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसको लेकर क्या तैयारियाँ की गई हैं? हाँ, हर बूथ पर न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की गई है। हर जगह पर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी और अधिकांश बूथों पर शीतल जल, ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि वोटर्स के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे। सर वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, इसको लेकर कैसे जागरूक करेंगे लोगों की वोटिंग परसेंटेज बढ़े? हाँ, वो पिछले कई दिनों से हमारे लगातार ये अभियान चल रहे थे जिसके तहत लोगों को अवेयर भी किया जा रहा था, मोटिवेट भी किया जा रहा था और हर स्तर पर हम लोगों ने इंडिविजुअल स्तर पर, सोशल स्तर पर, RWS के स्तर पर तमाम कार्यक्रम किए हैं हमारे प्रशासन ने और मुझे उम्मीद है कि लखनऊ की वोटिंग परसेंटेज अच्छी रहेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के पांचवें फेज की वोटिंग होनी है, कल उत्तर प्रदेश के 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के स्मृति उपवन पर मौजूद हूं। आपको बताऊं यहां पर जो वोटिंग मशीन है वो अपनी अपनी वोटिंग मशीन ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके पर यहां पर जो वोटिंग मशीन रखी है उनको ले जाया जा रहा है। साथ ही शासन प्रशासन की टीम पूरी मौजूद है और ये गर्मी का सितम है वो बहुत ज़्यादा है, इसको लेकर पूरा टेंट लगाए गए, कूलर लगाया गया, पानी की व्यवस्था की गई है और साथ ही एम्बुलेंस भी लगाई गई। आपको जरा मैं कैमरामैन से कहूँ जब पैन करके दिखाएं कि एम्बुलेंस लगाई गई, नगर निगम टीम के द्वारा पानी के टैंकर्स भी खड़े किए गए हैं और एम्बुलेंस भी लगाई गई क्योंकि गर्मी का सितम बहुत ज़्यादा है। और इसी को लेकर कल यहाँ पर सुबह सात बजे से वोटिंग होगी, इसी को लेकर पूरी तैयारियाँ जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। बस कल 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और शाम को 6 बजे तक होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।